आज सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकारों में समर्थन की कीमत कितनी बड़ी होती है और जो छोटी पार्टियां सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को अपना पूरा समर्थन देती हैं, उन छोटी पार्टियों के समर्थन पत्र के नीचे बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों की तरह स्टार के साथ शर्तें लागू ऐसा लिखा होता है। और ये वही शर्तें होती हैं जिनमें विचारधारा का गोंद नहीं बल्कि सत्ता का गोंद लगा होता है। तो पूर्ण समर्थन जो मिल रहा है उसके नीचे स्टार के साथ ये भी लिखा है शर्तें लागू। ये समर्थन जो पूर्ण समर्थन है ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आपने बहुत सारे विज्ञापनों में ऐसा देखा होगा। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने हस्ताक्षर के नीचे एक छोटी सी ये स्टार लगा दिया है, बिंदी लगा दी है और नीचे लिख दिया है शर्तें लागू। अब देखिए वो शर्तें क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार और नायडू ने सरकार बनाने के लिए अपना जो समर्थन पत्र दिया उस समर्थन पत्र के नीचे स्टार के साथ ये बहुत सारी शर्तें लिखी हैं। एनडीए के घटक दलों की मांग है कि हर चार सांसदों पर उन्हें एक मंत्रालय मिलना चाहिए। इस हिसाब से अगर जेडीयू के पास 12 सांसद हैं तो उसे 3 मंत्रालय मिलने चाहिए और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं तो उसे 4 मंत्रालय मिलने चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने तो बीजेपी को अपनी एक पूरी विश लिस्ट सौंप दी है। इसमें उन्होंने लोकसभा के स्पीकर का पद और 5 से 6 बड़े और हैवीवेट मंत्रालयों की मांग की है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि टीडीपी के 3 से 4 सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और कम से कम 2 सांसदों को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाए। टीडीपी ने अपने पसंदीदा मंत्रालयों की एक सूची भी बीजेपी को दे दी है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है, जिसमें वो सबसे ऊपर उन्होंने रखा है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। ये वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद मोदी सरकार का तीसरा सबसे बड़ा मंत्रालय है जिसका बजट 2,80,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा नायडू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मांगा है जो 7वां सबसे बड़ा मंत्रालय है और इसका बजट है 1,80,000 करोड़ रुपए। जिस स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 90,000 करोड़ रुपए है और जिस कृषि मंत्रालय का बजट 1,30,000 करोड़ रुपए है और जिस जल शक्ति मंत्रालय का बजट 98,000 करोड़ रुपए है और जिस शिक्षा मंत्रालय का बजट 1,20,000 करोड़ रुपए है, ऐसे सारे मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में लेना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू यह भी चाहते हैं कि सरकार में जिस वित्त मंत्रालय का बजट सबसे ज्यादा है उसमें टीडीपी के एक सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, यानी वो ये भी चाहते हैं कि वित्त राज्य मंत्री उनकी पार्टी का सांसद होना चाहिए। अब वो वित्त मंत्रालय तो शायद नहीं मांग पाएंगे लेकिन उसमें भी उन्हें एक राज्य मंत्री का पद चाहिए। और ये सारे मंत्रालय मांगने के बाद नायडू ये कहते हैं कि टीडीपी का एनडीए के साथ जो गठबंधन है वो अटूट है। इसी तरह नीतीश कुमार ने भी मोदी सरकार में जेडीयू के 3 कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की है लेकिन उन्होंने अपने पसंदीदा मंत्रालयों की कोई सूची बीजेपी को अभी नहीं सौंपी है। लेकिन जेडीयू ने यह इशारा जरूर किया है कि वो क्या चाहते हैं और इशारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जेडीयू के पास कई बड़े मंत्रालय थे और अब भी बीजेपी वही सारे मंत्रालय जेडीयू को दे सकती है। यानी नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, उन्हें रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जेडीयू के पास हुआ करते थे। तो वो कह रहे हैं कि वही जो हमारा अरेंजमेंट था वाजपेयी सरकार में वैसा ही आप अभी लागू कर दीजिए। जेडीयू और टीडीपी के अलावा खबरें यह भी हैं कि चिराग पासवान को भी कम से कम 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि वो मांग नहीं रहे हैं कुछ भी अपने मुंह से लेकिन उम्मीद तो हर किसी को होती है। एकनाथ शिंदे भी 2 से 3 मंत्रालय चाहते हैं और 1 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और इसीलिए हमने आपसे शुरू में कहा कि इस गठबंधन में इन पार्टियों के समर्थन पत्र के नीचे स्टार के साथ साफ साफ लिखा है शर्तें लागू। पिछली 2 सरकारों में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी बड़े मंत्रालय अपने घटक दलों को नहीं सौंपे और प्रधानमंत्री मोदी की नीति रही है कि वो अपनी सरकार में एनडीए के घटक दलों को सिर्फ सांकेतिक प्रतिनिधित्व देते रहे हैं और जितने भी बड़े मंत्रालय रहे हैं वो सब बीजेपी ने अपने पास रखे। जैसे वर्ष 2014 में
दिवंगत नेता रामविलास पासवान को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया था। टीडीपी को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सिर्फ नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला। अकाली दल को भी पूर्व सरकारों में कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया और यही बात जेडीयू के साथ भी हुई। वर्ष 2017 से 2022 के बीच जब नीतीश कुमार मोदी सरकार के साथ थे और उनकी पार्टी के पास 16 सांसद थे, तब भी बीजेपी ने उनके सिर्फ एक सांसद को सरकार में जगह दी थी और उन्हें इस्पात मंत्रालय दिया था। लेकिन अब जब जेडीयू के पास 16 नहीं बल्कि इस बार तो 12 ही सांसद बचे हैं, तब भी वही जेडीयू अब मोदी सरकार में 3 बड़े मंत्रालय मांग रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और इसी को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। पिछली 2 सरकारों में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा कर सकती थी। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोर्टफोलियो का, उन्होंने अपनी मर्जी से किया, लेकिन इस बार मुश्किल होगी। हमारे देश में राजनीति का जो ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी उसके 2 ही रंग होते हैं राजनीति के, एक है सत्ता और एक है विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। तो आप इसको यह समझ लीजिए कि जब सत्ता पक्ष में गठबंधन की कमजोर सरकारें आती हैं, तब विचारधारा, सिद्धांत, आदर्श और उसूल सब पीछे छूट जाते हैं और गठबंधन की सरकारों में जिस गोंद से ये सारी पार्टियां आकर चिपक जाती हैं, वो गोंद विचारधारा का गोंद नहीं होता, सिद्धांतों का गोंद नहीं होता, वो होता है सत्ता का गोंद। ये विचारधारा, ये सिद्धांत, ये सब जनता के लिए होते हैं। ये सब नेता अपने अपने भाषणों में जनता के लिए बताते हैं कि हमारी ये विचारधारा है, हमारे ये सिद्धांत हैं, हमारी ये सोच है, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन जब सत्ता की बारी आती है तो सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष। यही 2 सच्चाई हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं या आप विपक्ष में हैं। और उसके लिए, सत्ता पक्ष में चिपकने के लिए, ये पार्टियां विचारधारा और सिद्धांतों को यूं मिनटों में बदल देती हैं। अगर ये गोंद विचारधारा का होता तो शायद प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहने वाले चंद्रबाबू नायडू उनके साथ कभी ना बैठे होते और ना ही सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ एक मंच पर आती, जिन्हें अरविंद केजरीवाल कुछ साल पहले तक गिरफ्तार करके जेल में डालने की बात करते थे। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में सारी पार्टियां सत्ता के गोंद से चिपकी होती है। बस फर्क इतना होता है कि विपक्ष के घटक दल सत्ता के सपने को पूरा करने के लिए अपना गठबंधन बनाकर रखते हैं और सत्ता पक्ष के घटक दल सत्ता में बने रहने के लिए एक गठबंधन बनाकर रखते हैं, और जनता जो है वो विचारधारा के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से इन पार्टियों को देखती है, लेकिन वो एक भूल है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस गठबंधन सरकार में क्या क्या ना हो पाएगा। नेता आपको ये तो बताते हैं कि वो क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या इस बार ना हो पाएगा। पहला, प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम आरक्षण को अब समाप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं और चंद्रबाबू नायडू ने तो गारंटी दी है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। देखिए, विचारधारा के मामले में बिल्कुल 2 अलग नेता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करेंगे, लेकिन नायडू कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेंगे जब वो अपनी राज्य की पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो दूसरा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून शायद ना आ पाए क्योंकि नीतीश कुमार शुरुआत से ही इसके खिलाफ रहे हैं, या फिर बीजेपी को इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा, एक देश एक चुनाव पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के विरोध के कारण इस सरकार में वन नेशन वन इलेक्शन भी शायद अब ना हो पाए। चौथा, अब आप काशी और मथुरा में मंदिर का मुद्दा भी भूल ही जाइए क्योंकि इन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मत बीजेपी के खिलाफ है। पांचवा, मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में आई योजनाओं पर भी एनडीए के घटक दल अब अपनी शर्तें लगा सकते हैं। जैसे आज जेडीयू ने कहा कि बीजेपी को अग्निवीर योजना की अब समीक्षा करनी चाहिए, इस सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करनी चाहिए, मतलब इसे खत्म कर देना चाहिए या फिर इसमें बड़े बदलाव करने चाहिए। अग्निवीर योजना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह का कंटेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव, अब इन विषयों को लेकर जेडीयू का रुख क्या होगा? जस का तस है, लेकिन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन के। यूसीसी पर समर्थन होगा जेडीयू का? यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें
व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिलकर के विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए।